नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर प्रिया भावे चित्तावर और आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में। वो है सीमन एनालिसिस या वीर्य की जांच। वीर्य की जांच किस तरह से की जानी चाहिए, इसका सैंपल कलेक्शन का सही तरीका क्या है, किस तरह के लैब्स में ये होनी चाहिए, इसके मानक क्या हैं रिपोर्टिंग के, और जब रिपोर्ट आती है तो उसे हमें इंटरप्रेट किस तरीके से करना चाहिए, ये आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। वीर्य की जांच अक्सर पहली जांच होती है जो किसी भी दंपत्ति में डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। इनफैक्ट रिकमेंडेड ये है कि महिला की कोई भी जांच करने के पहले वीर्य की जांच होना आवश्यक है। इसका कारण ये है कि हम जानते हैं कि कंसेप्शन की प्रोसेस में जो 50% कॉन्ट्रीब्यूशन है वो स्पर्म्स की तरफ से या पुरुष की तरफ से है, तो यदि हम सिर्फ महिला की ही जाँच करते हैं तो हम 50% चीज़ों की तरफ प्रॉपरली इवेल्यूएशन नहीं कर पाते हैं। अब जब सैंपल कलेक्शन या टेस्ट की बात आती है तो बहुत महत्वपूर्ण है कि जो सैंपल है वो लैब के जितना संभव हो उतना पास में कलेक्ट किया जाए, क्योंकि जो रिकमेंडेशन है वो ये है कि वीर्य को विद इन हाफ एन आवर जो है वो इवेल्यूएशन इसका स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि समय के साथ जैसे जैसे समय जाता है वैसे वैसे स्पर्म्स की जो मोटिलिटी है वो कम होती जाती है, तो यदि कलेक्शन और एनालिसिस के बीच में इंटरवल बहुत लंबा रहेगा तो हमें मोटिलिटी जो है वो फॉल्सली लो बताई जाएगी और ये एक इरोनियस रिपोर्ट बनेगी। सैंपल का जो कलेक्शन है वो मैनिपुलेशन या मैस्टर्बेशन से किया जाना चाहिए। यदि पुरुष को किसी तरह का इरेक्शन में समस्या है तो ऐसे केसेस में वाइफ भी सहायक हो सकती है। कई बार डॉक्टर्स कुछ टैबलेट्स भी प्रिस्क्राइब करते हैं जिसमें इस प्रोसेस में हेल्प मिले। ये जो कलेक्शन है इसका जो कंटेनर है ये एक वाइड माउथ नॉन टॉक्सिक कंटेनर होना बहुत आवश्यक है। कुछ प्लास्टिक्स जो होते हैं वो टॉक्सिक होते हैं स्पर्म्स के लिए और उनमें सैंपल कलेक्ट करने से जो स्पर्म्स है वो डेड हो जाते हैं और इसमें भी रिपोर्ट जो है वो गलत आ सकती है। कुछ पुरुष जो मैस्टर्बेशन से सैंपल कलेक्ट करने में असमर्थ हैं उनमें कॉन्डम कलेक्शन की भी सुविधा डॉक्टर्स के पास रहती है, परंतु ये जो कॉन्डम्स हैं ये नॉन टॉक्सिक कॉन्डम्स होते हैं जिसमें स्पर्मिसाइडल जेली नहीं हो। साधारण कॉन्डम्स में यदि सैंपल कलेक्ट किया जाता है तो स्पर्मिसाइडल जेली उनके अंदर होती है और इस कारण से सारे स्पर्म्स जो है वो डेड पता चल सकते हैं। इसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वो ये है कि इजैक्युलेशन के 2 दिन बाद या 7 दिन के अंदर यानी एब्स्टिनेंस का जो पीरियड है वो 2 to 7 days होना बहुत आवश्यक है। इंटरवल 2 दिन से कम यदि होगा तो काउंट में जो है वो वेरिएशन आ सकता है, 7 days से ज़्यादा होगा तो मोटिलिटी में एबनॉर्मल रिपोर्ट आ सकती है। तो प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन के लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की गाइडलाइंस हैं कि इजैक्युलेशन के बाद का इंटरवल 2 to 7 days होना चाहिए एक प्रॉपर रिपोर्ट के लिए। जैसा मैंने आपको बताया कि सैंपल कलेक्शन के आधे घंटे के अंदर ही ये एनालिसिस शुरू होना चाहिए। एनालिसिस में 3 चीज़ें मुख्यतः देखी जाती हैं। पहला होता है काउंट यानी कि टोटल अमाउंट जो स्पर्म्स का है कितने मिलियन पर ml है। जो WHO मानक हैं उसके हिसाब से जो लोअर परसेंटाइल है वो 15 मिलियन पर ml रखी गई है। मोटिलिटी यानी स्पर्म्स की आगे बढ़ने की क्षमता कितनी है, इसकी जो मानक है वो 32% प्रोग्रेसिव मोटिलिटी WHO ने तय करी हुई है। और लास्ट जो पैरामीटर है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और कई साधारण लैब्स में इस पैरामीटर को देखा ही नहीं जाता जबकि ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कंसेप्शन में, वो है स्पर्म मॉर्फोलॉजी यानी स्पर्म्स की बनावट। स्पर्म्स की बनावट का जो 5th percentile है वो 4% है। जी हाँ, यानी कि नॉर्मल व्यक्ति के भी 5 to 6% ही नॉर्मल स्पर्म्स हो सकते हैं, हो सकता है कि 90% स्पर्म्स एबनॉर्मल हो। ये जानकर आपको बहुत आश्चर्य होगा परंतु ये जो क्राइटेरिया इस्तेमाल किए गए हैं वो क्रूगर्स क्राइटेरिया हैं या स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया जिन्हें हम कहते हैं। स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया जो है ये बहुत ही नाम के अनुसार स्ट्रिक्ट हैं और इसमें जो भी बॉर्डरलाइन फॉर्म्स होते हैं उन्हें एबनॉर्मल क्लासिफाई किया जाता है। यही कारण है कि किसी नॉर्मल सैंपल में भी हो सकता है कि हमें 6 to 10% ही परफेक्टली नॉर्मल स्पर्म्स मिले और 90% एबनॉर्मल मिले, परंतु यदि ये प्रतिशत 4% से कम है तब हम इसे एबनॉर्मल कहेंगे, इसे टेराटोजूस्पर्मिया कहा जाता है। ये जो मानक मैं आपको बता रही हूँ ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के 2010 के रीसेंट मानक हैं और अधिकतर जो लैब्स हैं इंडिया में वो इसे अभी तक यूज़ नहीं कर रही। तो इसीलिए जो हमारा आखिरी पॉइंट है जो हम डिस्कस करने वाले हैं कि कौन सी लैब चूज़ करनी चाहिए सीमन कलेक्शन के लिए, तो हमेशा कोशिश करिए कि WHO 2010 मानक के अनुसार एनालिसिस करने वाली लैब में ही आप सैंपल अपना कराएँ, क्योंकि ये लेटेस्ट मानक हैं।
ये बहुत अच्छे से WHO ने डिस्क्राइब करे हुए हैं, तो इसके अनुसार जो रिपोर्ट आती है वो हम मान सकते हैं कि स्टैंडर्ड्स के अनुसार है और इसमें हमारी फर्टिलिटी जो है वो एक्यूरेटली असेस हो रही है। यदि रिपोर्ट के अंदर कोई भी एबनॉर्मैलिटी आती है, यानी कि यदि काउंट कम है, ओलिगोज़ूस्पर्मिया है, मोटिलिटी कम है, एस्थेनोज़ूस्पर्मिया है, या टेराटोज़ूस्पर्मिया यानी स्पर्म्स की बनावट गड़बड़ है, या फिर ये तीनों फैक्टर्स यानी ओलिगो, एस्थेनो, टेराटोज़ूस्पर्मिया की समस्या है, तो भी रिपोर्ट देख के निराश मत होइए। कभी भी एक रिपोर्ट के आधार पर आकलन नहीं किया जाता है, हमेशा दो या तीन सैंपल्स लिए जाते हैं और इन दोनों का जो एवरेज होता है उसके अनुसार जो है वो आकलन किया जाता है पुरुष की फर्टिलिटी का। दूसरी बात, ये जो WHO के मानक हैं ये फर्टाइल और इनफर्टाइल में डिफ्रेंशिएट नहीं करते, ये केवल एक स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी बताते हैं कंसीव होने की आपके काउंट, मोटिलिटी और मॉर्फोलॉजी के हिसाब से। साथ ही बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जैसे पिछले तीन महीने में यदि आपने कोई दवाइयाँ ली हों, यदि आपको कोई फीवर या बीमारी रही हो, किसी भी तरह का कोई और इंसल्ट रहा हो, तो उससे जो है वो तीन महीने बाद सीमन एनालिसिस में फ़र्क हो सकता है। तो जब भी आपकी स्पर्म सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट एबनॉर्मल हो, डॉक्टर से कंसल्ट करिए, उनके अनुसार आप आगे बढ़िए। आपकी जो पूरी डिटेल्ड हिस्ट्री है, आपकी पर्सनल हिस्ट्री, आपकी कोई एडिक्शंस हैं, कोई आदतें हैं, पिछले तीन महीने में कोई आपका इलाज या कोई दवाइयाँ चली हैं, वो सब फ्रैंकली डॉक्टर को बताइए। अधिकतर केसेस में साधारण इलाज से, दवाइयों से ही जो है वो पुरुष संतानहीनता का इलाज हो सकता है और बड़े इलाज की अधिकांश केसेस में आवश्यकता नहीं होती। यदि इन सब बातों का हम ध्यान रखेंगे, यानी वीर्य का कलेक्शन प्रॉपर होगा, एनालिसिस प्रॉपर होगा, तो इसकी रिपोर्ट भी बराबर आएगी और हम जो है वो मिसलीड नहीं होंगे और गलत दिशा में जो है हमारा इलाज नहीं जाएगा, हम भटकने से बच जाएंगे। तो जब भी आपको वीर्य की जांच की सलाह दी जाती है, तो ये सारी बातों का, यानी कि सैंपल कहाँ कलेक्ट करना है, कैसे कलेक्ट करना है, क्या प्रिकॉशंस हैं, किस तरह की लैब को चूज़ करना है, इसका ध्यान आप ज़रूर रखें। आपकी जो रिपोर्ट आएगी वो ज़रूर ही आपकी फर्टिलिटी का पोटेंशियल आपको सही तरीके से बता पाएगी। इस विषय में आपके कोई भी सवाल हो तो हमें लिख भेजिए, उनका जवाब देने में हमें बहुत ही प्रसन्नता होगी। धन्यवाद।